नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं यूपी बोर्ड रिजल्ट्स के जो टॉपर हैं और जो आपका रिजल्ट गया है वो कितने परसेंट हाई स्कूल का रहा है और कितने परसेंट रिजल्ट जो है इंटर का रहा है। रिजल्ट का जो है पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और हाई स्कूल के जो तीन या चार टॉपर हैं उनके भी हम बात करेंगे आपको पूरी डिटेल में। इंटर के भी जो टॉपर्स हैं उनकी भी बात करेंगे और कितना रिजल्ट आपका हाई स्कूल का, कितने परसेंट छात्र पास हुए, कितने परसेंट इंटर में पास हुए और कितने लड़के और कितने लड़कियां पास हुई, ये सारी डिटेल इस वीडियो में है, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी बोर्ड की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने ये स्लाइड शो आपके लिए बना के रखा है। देखिए 22,73,304 परीक्षार्थी पास हुए, 55 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। और देखिए हाई स्कूल की पहले बात कर लेते हैं, तो हाई स्कूल में कानपुर के गौतम रघुवंशी ने किया है टॉप। और हाई स्कूल में जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो बाराबंकी के शिवम जो हैं हाई स्कूल में दूसरे स्थान पर रहे हैं। हाई स्कूल का जो टोटल रिजल्ट रहा वो 80.07% रिजल्ट रहा, यानी हाई स्कूल में 80% लड़के पास हुए हैं इस वर्ष। और हाई स्कूल में चौथे स्थान पर अपूर्वा वैश्य ने किया है टॉप, ठीक है। हाई स्कूल में जो है चौथे स्थान पर अपूर्वा वैश्य ने किया है टॉप। इंटरमीडिएट में 70.06% रहा रिजल्ट। देखिए आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो 80.07% है और इंटर का जो रिजल्ट है वो 70.06% है। यहाँ पर यानी कह सकते हैं हम कि हाई स्कूल का रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट से काफ़ी बेहतर रहा। और देखिए यहाँ पर हाई स्कूल में 83.98% लड़कियाँ और 76.66% लड़के पास हुए। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी यूपी बोर्ड के रिजल्ट में। हाई स्कूल में 83.98% लड़कियाँ और 76.66% लड़के पास हुए। चलिए अब इंटर की बात कर लेते हैं। इंटर में जो टॉपर रहे हैं, तो देखिए इंटरमीडिएट में बागपत की तनु तोमर हैं, उन्होंने किया है टॉप, ठीक है। और इंटरमीडिएट में जो गोंडा की भाग्यश्री हैं उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और जो तीसरा स्थान है इंटर में वो प्रयागराज की आकांक्षा ने हासिल किया। और देखिए जो प्रयागराज की आकांक्षा तीसरा स्थान जिनको मिला है आकांक्षा शुक्ला को इंटरमीडिएट में, उनका जो है परसेंटेज 94.80% अंक उन्होंने प्राप्त करके चौथे स्थान पर रहीं। और इंटरमीडिएट का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे नीचे लिख के आपको आ रहा होगा 70.06% रहा रिजल्ट। तो जैसा कि हमने आपको रिजल्ट घोषित होने के पहले भी वीडियो में बताया था कि इस बार 80% से ज़्यादा हो सकता है रिजल्ट हाईस्कूल का, तो देख लीजिए बिल्कुल वही 80.07% रिजल्ट हाईस्कूल का गया है। इंटरमीडिएट का जरूर थोड़ा सा कम रहा है, 70.06% रहा है। और जो भी जानकारियाँ हमारे द्वारा आपको दी गई थी चैनल से वो बिल्कुल सटीक निकली है। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा था कि 80% के ऊपर जा सकता है रिजल्ट और यहाँ पर ये देख लीजिए 80.07% रिजल्ट रहा है। तो ऐसी किसी भी यूपी बोर्ड से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, शिक्षा जगत की किसी भी खबरों से जुड़े जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।